हाय गाइस, मैं अभिनय। हेलो, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। 12 बज रहे हैं रात के। जो लोग सोने जा रहे हैं उन्हें गुड नाइट, और जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे उन्हें गुड मॉर्निंग। आप कॉपी पेन उठा लो, ठीक है? और आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम का एक पार्ट, डिविजिबिलिटी रूल, भाज्यता के नियम। इसका किस किस तरीके से यूज है, आज आप ऐसी ऐसी बातें जानोगे मैं बताऊंगा, कि आपको ये नहीं पता कि इस डिविजिबिलिटी रूल, जो कि एक छोटा सा रूल है, हम कैसे इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है? बहुत छोटी छोटी सी बातों से मैं ये काम शुरू करता हूँ, ठीक है? पहले तो जीरो की डिविजिबिलिटी क्या है, सबसे पहले हम जीरो से शुरू करेंगे। जीरो की डिविजिबिलिटी क्या है, सबको प्रॉपर दिख रहा है, अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बच्चे आवाज समझ पा रहे हैं मेरी, ठीक है बेटा? ठीक है, जीरो क्या है? जीरो इज डिविजिबल बाई, जीरो इज डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट जीरो। जीरो जीरो को छोड़ के सारे नंबर से कट जाता है। कैसे? जीरो से क्यों नहीं कटता, उसकी वजह क्या है? देखो आप बताओ, पता है कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि इनडिटर्मिनेंट क्या है, इनफाइनाइट क्या है, और कब इनफाइनाइट आता है। जैसे 1090 की वैल्यू कभी इनफाइनाइट होती है, कभी लोग कहते हैं नॉट डिफाइनाइट, कौन सी ज्यादा ठीक है? मैं यहां पे क्लियर करूंगा जीरो की डिविजिबिलिटी रूल से। जैसे जब हम 15 को 3 से भाग करते हैं, जब हम 15 को 3 से भाग करते हैं तो 5 आता है। आपको इसकी वजह पता है 5 क्यों आता है? भाई 5 इसलिए आता है कि जब मुझसे 15 को 3 से भाग करने के लिए कहा जाता है, तो मैं ऐसी संख्या ढूंढता हूं जिससे मैं 3 को गुणा करूं तो 15 आ गया, वो संख्या है 5, इसलिए 5 उत्तर आ जाता है। अगर मैं 6 को 3 से भाग करूं तो पता है मैं एक ऐसी संख्या ढूंढूंगा जिसको मैं 3 से गुणा करूं और 6 आ जाए, वो होगी 2, ऐसा होगा, ठीक है? अब जब हम किसी संख्या को से 0 को भाग करते हैं, जैसे मान लो 5 है, मैं इसको 0 से भाग कर रहा हूं, तो अब मुझे कोई एक ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जिसको मैं 0 से गुणा करूं और 5, तो मैं ये मान लेता हूं कि यार वो बहुत बड़ी कोई संख्या होगी, इनफाइनाइट कोई नंबर होगा, इसलिए हम इनफाइनाइट आंसर बता देते हैं, ठीक है? यहीं पे अगर मुझे भाग करना हो 0 को 0 से, अब आप समझो, अगर मुझे कोई एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिससे मैं 0 को गुणा करूं और 1 आ जाए, तो आप बताओ क्या हो सकती है? 0 आ जाए, क्या हो सकती है भाई? 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि 0/0 इनडिटर्मिनेंट है, इनडिटर्मिनेंट, या हम इसी को कहते हैं कि 0/0 नॉट डिफाइंड है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी जा सकती। तो जब किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाएगा तो इनफाइनाइट आएगा, और जब 0/0 से भाग दिया जाएगा तो इनडिटर्मिनेंट आएगा या नॉट डिफाइन आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप ये अंतर समझ गए होंगे कि कब इनफाइनाइट आता है और कब नॉट डिफाइन आता है या अनडिटर्मिनेंट आता है, ठीक है? इसके बाद अगर 0 की डिविजिबिलिटी की बात करें, तो मैंने लिखा कि 0 इज डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 0, बट नो नंबर इज डिविजिबल बाई 0, कोई भी संख्या 0 से नहीं कटती। यानी कि अगर हम 1 की डिविजिबिलिटी की बात करें, 1 की डिविजिबिलिटी की बात करें, तो 1 की डिविजिबिलिटी होगी 1 इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 1। एक जो है वो एक को छोड़ के किसी से भी नहीं कटता, जबकि अगर मैं सारे नंबर्स की बात करूं, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 1, एक से सारी संख्या कट जाती है। ये तो हमने जीरो डिविजिबिलिटी, 0 और 1 की डिविजिबिलिटी रूल की बात की, जहां पे हमने सीखा कि भाई इनडिटर्मिनेंट क्या है और नॉट डिफाइंड क्या है, या फिर इनफाइनाइट कब आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बहुत काम की बात पे आते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे डिविजिबिलिटी रूल आते हैं, आपको याद रखना मुश्किल होता है, 13 का डिविजिबिलिटी रूल है, 17 का। आज मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बनाना ही सिखा दूंगा, आप किसी का भी बना सकते हो, 29 का बना सकते हो, 14 का बना सकते हो, 7 का क्यों ऐसा होता है, सारी बातें करेंगे। पढ़ रहे हो ना आप सब? तो यार भी बच्चे कमेंट्स आ रहे हैं ना, ठीक है, मतलब लाइव है, कोई नहीं, अगर जो लोग लाइव भी नहीं है तो कल भी देख सकते हो ये सेशन। अब मेरे को वक्त ही नहीं मिला है, सुबह से 14-15 घंटे क्लास लेने के बाद वक्त ही नहीं मिला, और मुझे पढ़ाना जरूर था, श्योर था, और कल वीडियो क्वालिटी भी अच्छी नहीं आ रही थी, तो आज मैंने सोचा कि कुछ अगर अच्छा हो सकता है आपके लिए, ठीक है? अब हम बात करते हैं 2, 4, 8 और 16। यहां से देखना हम कितनी काम काम की चीजें निकाल के लेके आएंगे। आपको ये लगता है ना कि हमने डिविजिबल डिविजिबल पढ़ लिया, काम कुछ नहीं। देखो, 2 से वो संख्याएं कटेंगी जिनका लास्ट डिजिट 2 से कटता है, मतलब नंबर विल बी
डिविजिबल बाय टू इफ लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय टू। वो संख्या दो से कटेंगी जिनका अंतिम अंक दो से कटता है, ठीक है। अगर मैं चार की बात करूं तो वो संख्याएं विल बी डिविजिबल बाय फोर जिनके लास्ट टू डिजिट चार से कटते हैं, जिनके अंतिम दो अंक चार से कटते हैं वो संख्या चार से कटेंगे, जिनके अंतिम तीन अंक लास्ट थ्री आठ से कटेंगे वो संख्या आठ से कटेंगे। ऐसी सोलह की अगर बात करें तो जिन संख्याओं सोलह से वो संख्या कटेंगी जिनके लास्ट फोर डिजिट सोलह से कटेंगे। इतनी सी बात हमने सीखी कि चार से कौन सी संख्या कटेंगी जिनका लास्ट दो डिजिट चार से कटेंगे। जैसे कई लोगों को मान लो चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल इतनी सी संख्या 187065 इतनी सी कि ये आठ से कटेगी या नहीं कटेगी, तो मैं सीधे चेक करूंगा कि भाई 65 है ये लास्ट थ्री डिजिट और ये आठ से नहीं कटता, इसका मतलब ये संख्या आठ से नहीं कटेगी। आपको ये पूछ ले कि आठ से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचेगा, तो फिर हम पूरी संख्या को भाग नहीं करेंगे, जो बड़ी संख्या 96 और आ जाए हम केवल लास्ट थ्री डिजिट को भाग करेंगे। लास्ट थ्री डिजिट को अगर मैं आठ से भाग करता हूं तो 8 8 64 एक रिमाइंडर आ जाएगा। ऐसे किसी भी केस में हो सकता है कि बहुत लंबी संख्या कोई दे दी 9 5 6 0 7 0 1 9 2 मान लो इतनी संख्या दे दी और बोल रहे कि भाई ये 16 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो हम क्या करेंगे सिर्फ लास्ट फोर डिजिट को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 बन जाए 16 और 16 2 32 इसका मतलब ये संख्या 16 से कट जाएगी और रिमाइंडर होगा 0। ये यूज है। एक सवाल बताता हूं, उस सवाल के थ्रू हम देखेंगे कि इसका कितना बड़ा और यूज है। एक सवाल लिखो आप, बहुत सारे सवाल है आपसे हो नहीं पाएगा, बता दे देंगे। बच्चे कमेंट कर रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है, अच्छा अच्छा लग रहा है, ठीक है अच्छा लगेगा, थोड़ी देर तुम बने रहो, ठीक है आज कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बस नेट की स्पीड अच्छी आती रहे और अभी वाईफाई भी नहीं लगा है क्योंकि अचानक ये सब हुआ तो पता नहीं था, आप जल्दी से वाईफाई ले लेंगे तो अच्छी स्पीड आएगी, हाँ ठीक है, और ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब मैं एक सवाल लिखता हूं, अब देखो ध्यान से, डिविजिबिलिटी रूल्स में इससे बाहर कुछ नहीं, जितनी चीजें मैं पढ़ाऊंगा कंप्लीट डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा, ठीक है आप अभी देखो उसके बाद दोबारा दोबारा देखना चीजों को सीखना, ठीक है। नंबर सिस्टम में ऐसा पढ़ा दूंगा अगर तुम कुछ नहीं भी कर पाते हो ना जिंदगी में तो नंबर सिस्टम की किताब रख के लिख के अच्छा खासा कमा लोगे, ठीक है। देखो भाई एक सवाल लिखते हैं, इफ बहुत अच्छा सवाल है, एन इज ए थ्री डिजिट नंबर, इफ एन इज ए थ्री डिजिट नंबर एंड एन स्क्वायर बराबर डैश 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 54, ये दिया हुआ है एन इज ए थ्री डिजिट नंबर एंड एन स्क्वायर बराबर डैश डैश लास्ट में 54 दिया हुआ है, तो हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर एन, एन के कितने मान संभव है ये पूछ रहा है, एन स्क्वायर दिया हुआ है लास्ट में 54 ये पूछ रहा है एन के कितने मान संभव है। अब क्या करोगे, आपके तीन अंकों की सारी संख्या चेक करोगे 102 से लेके 999 तक, तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, बताओ क्या करना चाहिए सोचो। देखो भाई अगर एन स्क्वायर मैंने किया है, अगर एन स्क्वायर मैंने किया है और लास्ट में 54 आया, तो देखो ये तो तय है कि मैंने जिस संख्या का स्क्वायर किया है उसके लास्ट में या तो 2 है या 8 है, इतना है। अगर मैंने जिस संख्या का भी स्क्वायर किया है और लास्ट में 4 आया है तो ये तय है कि या तो एन के लास्ट में 2 है या 8 है। अगर एन के लास्ट में 2 या 8 है इसका मतलब कि एन इवन है, इसका मतलब कि एन इवन है, और अगर इवन है तो ये 2 से कटेगा ही कटेगा भाई, इवन नंबर 2 से कटता है। अगर हम एन स्क्वायर की बात कर रहे हैं तब ये 4 से कटना चाहिए। आप एक एग्जांपल ले लो, अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 एक ऐसी संख्या है जो इवन है और 2 से कटती है, 4 से नहीं कटती 2 से कटती है। अगर मैं 6 का स्क्वायर कर दूं 36 तो 4 से कटता है नहीं कटता, कटता है। किसी भी इवन संख्या का अगर हम स्क्वायर करें तो वो 4 से जरूर कटेगा। अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई 4 से वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट टू डिजिट 4 से कटेंगे और ये 54 4 से नहीं कट रहा, ये 4 से डिविजिबल नहीं है।
जबकि अभी हमने देखा कि अगर लास्ट में चार आ रहा है, इसका मतलब हमने किसी इवन संख्या का स्क्वायर किया है, और अगर इवन संख्या का स्क्वायर किया है तो लास्ट टू डिजिट चार से कटने चाहिए, जो कि नहीं कट रहे। इसका मतलब एन ऐसी कोई संख्या पॉसिबल नहीं है जिसका स्क्वायर आप करो लास्ट में 54 आ जाए, इसका आंसर होगा जीरो वैल्यू पॉसिबल। एन ऐसी कोई संख्या पॉसिबल नहीं है जिसका स्क्वायर अगर हम करें तो लास्ट में 54 आ जाए। तो अब पता है ये जो हमने चीज सीखी, हम इसका एक और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा एसएससी में बहुत बार सवाल आते हैं, ऐसा सवाल आपने देखा होगा कि भाई निम्नलिखित में से क्या घटाएं या क्या जोड़ें, क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें कि संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। उसमें इस चीज का बहुत बड़ा रोल है, मैं दिखाता हूं कैसे। आप एक नोट बना लो बहुत अच्छा, जो आपको बहुत काम आने वाला है, एक नोट आप बना लो, ठीक है। ये सवाल मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होगे, और नहीं समझे हो तो एक बार वीडियो को वापस से देख लेना, ठीक है। देखो भाई, अगर हम बात करें कोई संख्या है n और हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो पहले मैं बात कर लेता हूं लास्ट डिजिट की। पहले मैं लास्ट डिजिट की बात कर लेता हूं, अंतिम अंक, ठीक है। अंतिम अंक की बात कर लेता हूं, अंतिम अंक, ठीक है। एन की बात कर लेते हैं और एन स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट क्या हो सकता है और क्या नहीं। जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। 10 का स्क्वायर करेंगे लास्ट में जीरो आ जाएगा, मैं ये बता रहा हूं। एन एक संख्या है और मैंने उसका स्क्वायर किया, तो लास्ट डिजिट क्या हो सकता है और क्या नहीं। जीरो हो सकता है, हो सकता है। एक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 11 का स्क्वायर करेंगे 121 आ जाएगा, एक हो सकता है। अगर दो की बात करें तो दो नहीं हो सकता। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है जिसका हम स्क्वायर करें और लास्ट में दो आ जाए, तो दो इसमें आ गया, जो नहीं हो सकता। तीन, तीन भी नहीं हो सकता। चार हो सकता है, पांच हो सकता है, छह हो सकता है, सात नहीं हो सकता, आठ नहीं हो सकता, नौ हो सकता। तो एक चीज तो हमने ये देखी कि भाई किसी कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके लास्ट में ये सब नहीं होगा। मान लो चार ऑप्शन हमारे पास थे एसएससी में और उनमें से दो ऑप्शन में ये आ गया लास्ट में, तो ये तो हम कट कर देंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। बच गए इतने ऑप्शन, इतने ऑप्शन बच गए। अब इतने ऑप्शन को कैसे हटाया जाए, ये मैं मिटा रहा हूं, और अब मैं बात कर रहा हूं लास्ट टू डिजिट की। अब मैं बात कर रहा हूं लास्ट टू डिजिट की, ठीक है। आप मुझे बताओ भाई, अगर किसी के लास्ट में चार आ रहा है तो आप बताओ कि 14 आ सकता है। 14 बिल्कुल भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? कि चार आने का मतलब है हमने इवन नंबर का स्क्वायर किया, और इवन का स्क्वायर किया तो वो चार से कटने चाहिए लास्ट के टू डिजिट। तो लास्ट के दो डिजिट 14 नहीं हो सकते, 24 हो सकते, 34 नहीं हो सकता, 44 हो सकता, 54 नहीं हो सकता। अभी जो आएगा 54 हो ही नहीं सकता। किसी भी संख्या का हम स्क्वायर करें लास्ट में 54 आ ही नहीं सकता, ठीक है। 64 आ सकता है, 74 नहीं आ सकता, 84 आ सकता है, 94 नहीं आ सकता। तो ऐसा हो सकता है कि हमारे दो ऑप्शन जो बच गए उनमें से कोई ये फंस जाए 34 या 44, तो उसको भी हम हटा सकते हैं। तो जब भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर चेक करने की बात होती है, ये बेस्ट तरीका है लास्ट डिजिट और लास्ट टू डिजिट का। और कैसे, आप मुझे बताओ, ये मैं मिटा रहा हूं। अगर लास्ट में 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, इसका मतलब मैंने जिस संख्या का स्क्वायर किया उसके लास्ट में 6 है, तभी स्क्वायर करने पर 6 आ रहा है, मानते हो ना इस बात को? तो वो संख्या भी इवन है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई किसी के भी लास्ट में 26 नहीं आ सकता। 26 आने का मतलब है कि मैंने एक इवन नंबर का स्क्वायर किया है और उसके लास्ट के दो डिजिट चार से कटने चाहिए। यार आप समझो बहुत ध्यान से, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं भी बहुत ज्यादा थका हुआ हूं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको 100% दे पाऊं, ठीक है। आप भी कोशिश करो अपनी तरफ से। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि जब भी हमें चेक करना हो कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और कौन सा नहीं है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि भाई 26 आ गया लास्ट में, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 26 आने का मतलब है कि हमने एक इवन नंबर का स्क्वायर किया है और इवन नंबर का स्क्वायर करने पे लास्ट के जो टू डिजिट है वो चार से कटने चाहिए। तो क्या क्या आ सकता है? 16 आ सकता है, 26 नहीं आ सकता, 46 नहीं आ सकता, 36 आ सकता है, 56 आ सकता है, 66 नहीं आ सकता, 76 आ सकता है, 86 नहीं आ सकता, 96 आ सकता, ये सब आ सकता है। तो हम ये जो चार के डिविजिबिलिटी रूल है इसका परफेक्ट स्क्वायर चेक करने में भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। मतलब कोई भी अगर हम चीज सीखते हैं तो हमें उसका पूरा यूज आना चाहिए। समझ गए यहां तक? आगे बढ़े भाई, ठीक है। अब देखिएगा जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे सवाल आए इस तरीके से कोशिश करिए करने की, हो पाएंगे, ठीक है। चार की डिविजिबिलिटी हमने सीखी 5, 6, 7 की। अब हम बात करते हैं 3 और 9 की।
जैसे आपने देखा कि मैंने दो की बताई तो साइड में चार की भी बताई, आठ की भी बताई, सोलह की भी बताई, ऐसे बत्तीस की भी बन सकती थी। तो आप मुझे बताओ, जैसे आपने पढ़ा होगा तीन की डिविजिबिलिटी क्या है, नौ की डिविजिबिलिटी क्या है, ये सवाल है। नौ की डिविजिबिलिटी का पूरे एलसीएम एससीएफ में बहुत तगड़ा यूज है, 99.99% सवाल एलसीएम एससीएफ के हम नौ की डिविजिबिलिटी या तीन की डिविजिबिलिटी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे आगे आने वाले समय में देखेंगे, ठीक है। अच्छा लग रहा है भाई, बच्चे खुश हैं, पढ़ रहे हैं, चलो ठीक है। तुम लोग टेंशन मत लो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पढ़ाएंगे नहीं। मेन स्ट्रीम में तो जाता हूँ, ऐसी सी चीजें बता दूं। वैसे भी मेरे हाथ में ऐसी रेखा है कि जो मैं पढ़ाता हूँ वो पेपर में एडिटेड आ जाता है। तुम देखो ना, मुझे तो कभी पढ़ने का टाइम मिलता नहीं है, और उसके बावजूद मैं हर बार एग्जाम निकाल लूँ, तो उसकी वजह यही है कि मैं लास्ट टाइम तीन घंटे भी पढ़ लूँ तो उसमें तो पेपर आ जाता है, ठीक है। ये मैं तुम्हारे साथ भी चाहता हूँ कि जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँ तो वो पेपर में फंसे एडिटेड। तुम भी खुश हो कि यार हमने ऑनलाइन काफी कुछ सीखा, ठीक है। और पूरी कोशिश है यार, जैसे भी है घर पर मैंने इसलिए सेटअप कर लिया ताकि मैं वक्त निकाल के, जब भी मेरे पास वक्त निकले परिवार से, घर से, सारी चीजों से, तो मैं आपको पढ़ा पाऊँ, ठीक है। चलो आप अच्छा फील कर रहे होगे, बाकी मैं करा दूंगा धीरे धीरे। इस वक्त तो मेरी मजाक करने की भी हिम्मत नहीं बचती, मैं बहुत ज्यादा हंसी मजाक करता हूँ। ये मैं करूंगा, मैं फिर भी बीच बीच में भी थोड़ी थोड़ी मजाक करूंगा, थोड़े थोड़े कंसेप्ट लेके आऊंगा नए नए, ठीक है भाई। क्योंकि अब तुम लोगों का पढ़ना बहुत जरूरी है, और क्योंकि अगर अभी तुम नहीं पढ़ोगे तो एक चीज तुम समझ लो, जो लोग ये सोच रहे ना कि यार नौकरी लग जाएगी कभी भी, फिर उसके बाद शादी हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत है, दिमाग से निकाल देना। शादी अगर टाइम पे नहीं हुई ना, जिंदगी में नहीं होगी। तुम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को छोड़ दो, तुम आईएएस बन जाना, जो मर्जी बन जाना, तुम्हें अच्छी तरीके से पता है। तुम ये सोचते हो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लग जाऊंगा तो मेरी शादी हो ही जाएगी कितनी भी उम्र हो, बिल्कुल नहीं। लोग राष्ट्रपति तक लग गए, हमारे खुद के प्रेसिडेंट साहब डॉक्टर अब्दुल एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे खुद के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, नहीं हुई भाई। सलमान खान साहब, राहुल गांधी साहब, देख लो, इसका एक वक्त है, ये उस वक्त पे हो रही तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और फिर यार फायदा भी क्या है कि तुम्हें फेवर कराने के लिए भी आदमी गोद में लेके चल रहा, तुम्हारे घोटों में दम ही नहीं बचा, तो कोई मतलब नहीं है उस बात का, ठीक है। इसीलिए सही टाइम पे जॉब लग जाए, इसी साल कोशिश करो। अगर मेंस में प्री में तुम्हारा 130-140 प्लस अगर स्कोर है तो बहुत सेफ हो, मेंस में अगर 190 प्लस स्कोर कर देते तो 100% जॉब मिलेगी, कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। कैसे करना वो मैं बताऊंगा आगे आने वाले समय में। अब तीन का डिविजिबिलिटी रूल क्या, आपने पढ़ा होगा तीन का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि भाई सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय थ्री, मतलब अंकों का योग, अगर किसी संख्या के अंकों का योग तीन से कटता है तो वो संख्या तीन से कटेगी, और अगर किसी संख्या के अंकों का योग नौ से कटता है तो वो संख्या नौ से कटेगी। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई नाइन, तो संख्या नौ से कटेगी। कुछ बच्चों को ये डाउट रहता होगा या आज भी आ रहा होगा कि यार इन्होंने जैसे दो चार आठ सोलह बत्तीस का बता रहे, तो क्या ये तीन नौ सत्ताईस का हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो ये तीन और नौ का रूल बना कैसे, पहले ये देखो। कोई संख्या है जैसे 23, हम इसे कैसे लिखते हैं, 2×10+3, ये लिखने का तरीका होता है। मैंने एक दो डिजिट की कोई भी संख्या ले ली, एक्स वाई, एक्स वाई मैंने कोई भी नंबर ले लिया, एक्स वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, 10x+y लिख सकता, एक्स वाई को लिख सकता हूं। अब इस 10x+y को मैं लिख सकता हूं 9x+x+y लिख सकता हूं। अब तुम ये बताओ ये संख्या तीन से कट रही है नहीं कट रही है? अगर एक्स प्लस वाई बोले तो सम ऑफ डिजिट तीन से कटा तो संख्या तीन से कटेगी, ये नौ से कट रही है, बिल्कुल कट रही है। अगर एक्स प्लस वाई नौ से कटेगा तो संख्या नौ से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। समझे कि नहीं समझे? तो ये रूल 27 पे अप्लाई नहीं हो सकता। तुम चाहो तो थ्री डिजिट का भी देख लो, जैसे एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड को क्या लिख सकते हैं, 100x+10y+z, तो इसको मैं लिख सकता हूं 99x+9y+x+y+z, तो ये किसी में भी लगेगा। अब अगर ये नौ से तो कटेगा, तीन से भी कट रहा है, अगर ये तीन से कटा तो संख्या तीन से कटेगी, अगर ये नौ से कटा तो संख्या नौ से कटेगी। ये तीन और नौ की डिविजिबिलिटी का रूल आया कैसे वो मैंने बात बताई है, और ये 27 पे क्यों नहीं अप्लाई होगा ये तुम देख पा रहे हो, 27 से ही नहीं कटेगा, ठीक है, बात क्लियर है भाई। अब तीन और नौ की डिविजिबिलिटी पे और कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं प्री मेन मेंस में, और कैसे सवाल आ सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। कोई बच्चा थक तो नहीं रहा भाई, पढ़ना तो पड़ेगा यार। देखो आपको मेरे से प्रेरणा लेनी चाहिए कि भाई मैं सारे दिन पढ़ा के भी अभी भी उस एनर्जी के साथ खड़ा हूं, ठीक है। तुम अभी मुझे बोलो कि इसकी झंड करनी है, कोई भी टॉपिक दे दो तुम मुझे,
कोई भी टॉपिक, और बोल दो कि 1.5 घंटे इसी पे बोलना है, और यहाँ जितने भी ऑडियंस बैठे हैं उन सबकी झंड करनी है, वोट लगानी है। ये समझ लो मुझे बात है बनाने और झंड करने में, वीडियो से सभी नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो देखा मैं, बहुत अच्छी। आपको भी क्लास में आओगे तब आप देखोगे कितना मजा आपको आएगा, हंसते हंसते आप उस वीडियो को फील करोगे, कई बार तो आपको पता भी नहीं चलेगा, घर जाके पता चलेगा। ठीक है, चलो भी आगे बढ़ते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें भी जरूरी है। ठीक है, बाकी और जिंदगी के बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा मैं। ये चाहता हूँ यहाँ तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए एक बार, जिंदगी को कैसे जीना है, कैसे जिंदगी को खूबसूरत बनाया जा सकता है, ये सारी बातें हम लेके आएंगे। ठीक है, मैं इस संसार को बहुत खूबसूरत देखना चाहता हूँ, कैसे दुख है उसको कैसे हंसते हुए झेलना है ये सब मैं बताना चाहता हूँ। जितनी भी मैंने रिसर्च की है इन सब चीजों पे, तमाम मैं पर्वतों पे जाके आया हूँ कि कहाँ सुख है और क्या दुख है। ठीक है, चलो हम वापस आते हैं कि भाई टीम और नौकरी डिविजिबिलिटी रूल क्या है और इसका यूज कैसे होगा। डिविजिबिलिटी रूल मैंने बता दिया, सवाल इस पर कैसे बन सकता है ये देखेंगे। जैसे तीन पे कैसे आ सकता है, तीन पे भाई सवाल आ जाएगा 8567x92। ठीक है, ये सवाल आ गया, बोल दिया ये संख्याएं इज डिविजिबल बाई थ्री, ये बोल दिया डिविजिबल बाई थ्री है, तो ये पूछ सकता है कि भाई हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर एक्स, या इसी में ये कह सकता है कि भाई एक्स के जितने भी मान संभव है उन सबका सम बताओ, फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। दोनों में से कोई भी बात पूछ सकता है, ये पूछ सकता है एक्स के कितने मान हो सकते हैं, ये नहीं पूछ रहा क्या क्या हो सकते हैं, कई सारे होंगे, या फिर उन सबका सम क्या होगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि भाई आपको ये नहीं करना, ये मैं बता देता हूं, टाइम हम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे कि आप ऐसा करोगे, मैं बता देता हूं, बस आपको ऐसा नहीं करना, आपको ऐसा नहीं करना कि आप इन सबको सम कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आपको इन सबका सम करना है, सम नहीं करना, जो जो संख्या तीन से कटती चली जाएगी उसे हम हटा देंगे। जैसे मुझे बताया कि भाई 9 तीन से कटता है तो मैं 9 को हटाता हूं, 7 और 2 कटते तीन से तो मैं इसे हटा दूंगा। ठीक है, 6 तीन से कटता है मैं इसे हटा दूंगा, बचा कितना 8, 5, 13 और प्लस एक्स, इतनी सारी संख्या बच गई। अब तुम मुझे बताओ 3 से कटने के लिए मैं एक्स को क्या ले सकता हूं, 13 के आसपास कौन सी ऐसी संख्या जो 3 से कटती है, 15, इसका मतलब मैं एक्स को 2 ले सकता हूं। अब 3 दिन की गैप पे होगी संख्या, क्योंकि 15 के बाद जो संख्या 3 से कटती है उससे 3 दूरी पे होगी, तो 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5, फिर 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 1, 3 संख्या पॉसिबल है। कोई बच्चा सोच रहा होगा 8 के बाद 11 भी तो होगा, 11 नहीं हो सकता बेटा, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स एक डिजिट है, एक्स एक डिजिट है, संख्या नहीं है, इसलिए 11 को नहीं लेगा। तो अगर इस सवाल में यह पूछ रहा है कि एक्स के कितने मान संभव है तो जवाब होगा 3, अगर यह पूछता कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या होगा तो 8 और 2 10 5 15 आंसर होता है। ठीक है, ऐसा ही सवाल हम एक 9 पे कर रहे हैं, और 9 पे हम और अच्छा सवाल भी एक और करेंगे, 3 वाला समझ आ गया भाई। ठीक है, कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के, उन्हें समझ आ रहा है, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है यार, तुम्हारा उत्साह देख के, पता है तुम ये चाहते हो कि मैं आऊं, सिर्फ मैं इसी वजह से आ रहा हूं, तुम्हारा ये डेडिकेशन ना मुझे मजबूर कर रहा है ऑनलाइन आने पे कि यार मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा इसलिए दिया है, मैं बता नहीं सकता कि पिछले 10 दिनों में मुझे तुम सबकी तरफ से कितना प्यार मिला है ना, उसकी कोई वो नहीं है, मैं उसको कंपनसेट कर ही नहीं सकता, मैं आपको उतना कुछ दे ही नहीं सकता जितना प्यार आपने मुझे दिया, उसके बदले में मेरे पास नहीं है कुछ देने को, यही कर सकता हूं मैं कि पढ़ा सकता हूं बस, लेकिन आपने मुझे उससे बहुत ज्यादा दिया है। ठीक है, और उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपको जीवन में बहुत सारी खुशियां दे, मेरे हिस्से की भी खुशियां आपको मिले, मैं तो ये चाहता हूं कि भगवान ने मुझे इतना खुशनसीब बनाया तो मेरा भी भाग्य, मेरे हिस्से की खुशियां आपको मिले, बहुत आगे जाओ आप जीवन में, लेकिन एक बात बस याद रखनी है आपको कि इतना आगे नहीं निकल जाना कि वापस आने में तकलीफ हो, कील गाड़ गाड़ के जाना है। जैसे आपने सुना होगा कि खुद ही को करके बुलंद इतना, खुद ही को करके बुलंद इतना चढ़ा वो जैसे तैसे, अल्लाह ने बंदे से खुद पूछा अब उतरेगा कैसे, तो उतरना जरूर आना चाहिए, उतरने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ऐसा ना हो कि हम एक पॉइंट पे पहुंच के अपने आप को ये समझने लगते हैं।